ऑफिस से घर लौटने का वक्त होता था ना, तो आधे एक घंटे पहले वो लोग बालकनी में खड़े हो जाते थे, मेरी राह देखते थे और मेरे आते ही दरवाजे के पीछे छुप जाते थे। और जैसे ही मैं दरवाजा खोलता था तो भौं करके मेरे गले लग जाते थे। मैं उनका हीरो सब ऐसे गिरा खाई में कि मैं अपनी शक्ल देखने के लायक नहीं रहा। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरी बीवी सारे बीवी थी, अब नहीं, अब बस सिर्फ शुभ्रा है। शुभ्रा बहुत अच्छी है। उन तीनों का ख्याल रखना दोस्त, उन्हें अकेले कभी भी मत छोड़ना। हाँ दोस्त, शुभ्रा से मैंने प्यार किया था, शुभ्रा को चाहने वाले की आंखों की चमक देखकर कह सकता हूं कि आप अपना दिल उसे दे चुके हैं, प्यार हो गए हैं आपको, और मुझसे कहीं सच्चा और कहीं गहरा प्यार। यार बदल मत जाना, क्योंकि मैं जानता हूं कि शुभ्रा की जिंदगी में आपसे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। क्या हो गया है कुलदीप को? हर्ष पर इतना भरोसा, अभी तक तो नफरत थी, शक था, और अब अपने बच्चों के लिए सबसे लड़ पड़ने वाला कुलदीप बच्चों की जिम्मेदारी हर्ष को सौंप रहा है। हो क्या गया है? मेरी तरफ कोई आंख उठाए तो हाथ उठाने वाला कुलदीप आज इतना बदला हुआ, क्या उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है या कुछ और हो रहा है उसकी जिंदगी में? ऐसा कुछ जो मुझे नहीं पता, वरना इतनी जल्दी इतना बदलाव नहीं आ सकता कुलदीप में ना। थैंक यू कुलदीप For trusting me so much. आप किस इमोशनल स्टेट में हैं मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम दूसरों की जिंदगी का फैसला अपने हाथों में नहीं ले सकते। शुभ्रा की पिछली जिंदगी का तो पता नहीं, लेकिन आज की शुभ्रा जिसे मैंने देखा है वो अपने फैसले लेने में सक्षम है, वही तय कर सकती है कि आगे की जिंदगी उसे कैसे जीनी है, अकेले, आपके साथ या किसी और के साथ। टेक केयर। बहन जी एक बात कहूं, आप ना ऐसी गुमसुम अच्छी नहीं लगती है। क्या बोलो, क्या बोलू बहन जी, किस्मत का खेल देखो जी, जब ऋषि रोली पैदा हुए थे
मैंने अपने बहू से दुश्मनी कर ली। वो सुख के पर, वो बच्चों का, वो तुतला के खेलना बोलना सब खो दिया जी। और अब इतने सालों बाद बच्चे जब मिले ना, तो मैं उन पर सब लुटाने को तैयार हूँ। मेरा बेटा फिर से बाप बन। समझ ही नहीं आ रहा जी, खुशियां मनानी है, चप्पे पड़े हैं। मैंने अपने बेटे को जिंदगी से निकाल दिया जी पूरी तरह, पर उसकी हर गलती दिल पर बहुत गहरा घाव करती है जी। बहन जी एक बात बताऊं? मारो जी मारो, आप भी तो ना मार लो, मारो मारो। जब आप दादी बन रही थी तब मैं नाना बन रहा था। हम दोनों ही मूर्ख थे। गुस्सा और अहंकार की वजह से हमने वो खुशियां खो दी, पर जिंदगी ने हमें एक और मौका दिया है अपनी गलती को सुधारने का। तो क्या करना है जी, क्या करना है? आरती उतारो उस चुड़ैल की, लड्डू बांटो, डांस करो, ढोल बजाओ। बहन जी मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। उनकी बात नहीं कर रहा मैं, मधुरा और आप, हम तीनों मिलकर एक वादा कर सकते हैं। कौन सा? ऋषि और रोली की हर खुशी में हम शामिल होंगे। मैं तो कहती हूँ यमराज आए ना तो उससे भी लड़ लेंगे, लेकिन ऋषि रोली की लंबी उम्र तो देख के जाएंगे। मतलब पोता पोती को पैदा होते नहीं देखा तो क्या हुआ जी? हम उनको बड़ा होते देखेंगे जी। हाँ, उनको उनको कामयाब होते हुए देखेंगे। साथ साथ में, साथ साथ में। बड़ी हो मत पहने, आप भी जी लेना जी। बहन जी आपको चढ़ गई। आई आपने पापा के गिफ्ट्स देखे? मैं तो काउंट ही नहीं कर पाई। आई पापा एकदम चेंज लगे आज। बिल्कुल पहले वाले पापा बन गए वो। सिर्फ मुझे ही नहीं बच्चों को भी महसूस हुआ है कि कुलदीप बदला है, लेकिन अचानक इतना बदलाव, कोई तो वजह होगी। मम्मा मम्मा मम्मा। अरे चलो सोने का टाइम हो गया, चलो 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 जल्दी जल्दी भागो भागो भागो। चलो चलो देखते कौन पहले सोएगा। अच्छा अच्छा चलो। क्या हुआ अम्मा? पापा को गुड नाइट किसी देनी है। मुझे भी। कल सुबह उठकर पापा को मॉर्निंग किसी दे देना। अभी सो जाओ। नहीं अभी। हाँ मम्मा अभी गुड नाइट किसी देनी है। प्लीज प्लीज प्लीज। बच्चों से खेलने की परमिशन दी थी पर ये तो तुम अब आ रहे हो। बच्चों के साथ 3 दिन दिए थे, 3 रातें गुजारने की परमिशन नहीं दी थी। मैं आई तो रात, तुमने देखा तो मैं कमरे के बाहर ही था। किसके साथ खेल रहे थे पूरा दिन और अभी रात 9 बजे तक? मेरा ख्याल नहीं आया कि सैम अकेली है, उसे तुम्हारी जरूरत हो सकती है। जटा एक बात आज सच सच बता दो, तुम्हें ये बच्चा चाहिए या नहीं? मैं और मेरा बच्चा जिए या मरे तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे पास तो ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। 3 दिन दिए थे ना मैंने तुम्हें,
एक दिन कट, अब सिर्फ एक दिन है तुम्हारे पास। हम पापा से मिलके आते हैं ना, गुड नाइट बोलेंगे, किसी देंगे और फिर आ जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, पापा के कमरे में नहीं जाना। एक काम करते, पापा को फोन करके विश कर दो। हाँ, अब तो फोन भी बंद हो गया, अब आप ही को अच्छा आइडिया दो ना। हमारे सुपर वुमन मामा के पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। क्या करें क्या करें, आइडिया, इंटरकॉम है ना, पापा के कमरे के नंबर में डायल करते हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चल। हाँ पर मम्मा, पापा का न्यू रूम नंबर क्या है? 521। सैम, आई प्रॉमिस यू, मैं सिर्फ दिन का वक्त ही बच्चों के साथ गुजारूंगा, शाम को वापस लौट आऊंगा और दिन में भी मैं दो तीन बार तुम्हें मिलने आऊंगा, लेकिन तीन दिन का जो वक्त दिया है उसमें से एक दिन काटो मत, प्लीज प्लीज सर प्लीज। इतनी रात को किसका फोन हो सकता है? गुड नाइट पापा। गुड नाइट पापा, गुड नाइट किसी दो, लव यू पापा। पापा पापा पापा, मुझे सुन सकते हो? कौन है चटा? यहां पर कोई पापा नहीं है, रॉन्ग नंबर। दिल खुश कर दिया तुमने, जाओ दिए तीन दिन, गुड फॉर सेटिंग अ रूल, जब तुम मेरे साथ हो तो सिर्फ मेरे साथ हो, ना बच्चे ना उनकी माँ, कोई हमारे बीच में नहीं आ सकता। Now I'm very happy. So proud of you. Mama, wrong number tha. Koi uncle the bol rahe the. Yahan par koi papa nahi hai. Mama thoda confused ho gayi. Lagta hai mujhe theek se yaad nahi raha number. Koi baat nahi. Kal subah ek ki jagah do kisi de dena papa ko. Chalo. अभी जल्दी जल्दी सो जाओ। आ जाओ, गुड कॉल। अभी मम्मा आप लोगों को सुलाएगी। आ जाओ। दिन में बच्चों के साथ इतना अच्छा बिहेवियर और अब रात को फोन ही कट कर दिया। मुझसे नंबर में कोई गलती नहीं हुई है, वो कुलदीप की ही आवाज थी। क्या चल रहा है ये कुलदीप के दिमाग में? मैं नहीं चाहती बच्चों को आज उम्मीद बांधे और कल फिर वही। बच्चों को अब मैं हर्ट होने नहीं दे सकती। कल मिलना ही होगा मुझे कुलदीप से।
से पिंक लाइंस बनाकर हम सबकी आंखों में धूल झोंक दी सैम ने, लेकिन सच छुपता नहीं। सैम, तुम्हारे इस नाटक पर से पर्दा मैं उठाऊंगी। ऋषि रोली नहीं आया तुम्हारे साथ? नहीं आएंगे। हाँ? कभी नहीं आएंगे। झूठ और झूठे लोगों से मैं अपने बच्चों को बचाकर रखूंगी कुंदी। झूठ? झूठे लोग? ऐसा क्या हुआ? यही टेस्ट किया था ना कल, मुझे प्रूफ करने के लिए कि सैम प्रेग्नेंट है, मां बनने वाली है, तुम बाप बनने वाले। कुलदीप, डिवोर्स चाहिए था ना मुझसे, सीधी तरीके से कह देते, मैं डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर देती, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी। सैम से तो मैंने सच की उम्मीद कभी रखी ही नहीं थी, लेकिन तुम, दिन में तुम बच्चों के साथ प्यार का नाटक करते हो और रात को फोन काट कर ये कहते हो कि यहाँ कोई पापा वापा नहीं रहता, और अब ये झूठी टेस्ट रिपोर्ट। कैसे भरोसा करूं मैं तुम पर कुलदीप? बस करो ना अब हर्ट करना और बच्चों के साथ झूठे प्यार का नाटक करना भी बंद कर दो। Enough. मुझे नहीं पता था। मुझे सच में नहीं पता था। कैसे जवाब मांगोगे? मैं सैम से कोई सवाल नहीं कर सकता, फिर चाहे वो झूठ बोले या नाटक करे। मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता। क्यों? किसके लिए? क्या मजबूरी है कुलदीप? तुम और हमारे बच्चे। मैं और हमारे बच्चे? मतलब कुलदीप, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ हो क्या रहा है। Thank you.
तुम्हें याद है ना, कॉलेज में हम बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। सबसे पहला रिश्ता हमारे दोस्ती का था, प्यार शादी सारे रिश्ते बाद के। अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, लेकिन उस बेस्ट फ्रेंड को तो बता सकते हो ना कि क्या चल रहा है। कुलदीप बताओ ना, इतना डर क्यों है तुम्हारी आंखों में? कौन सा तूफान है जिसका तुम्हें डर लग रहा है? कुलदीप हो क्या रहा है ये? कितना खुदगर्ज हो गया मैं, तुम्हारी आंखों का दर्द पढ़ना ही भूल गया। तुम अब भी मेरी आंखों का सच पढ़ लेती हो।